तो खबर भिवानी से है। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर्स भी अब सड़कों पर उतरी हुई हैं। मिड डे मील कर्मचारियों ने भिवानी में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे चुप नहीं बैठेंगी। साथ ही कहा कि मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, सरकार उनका शोषण कर रही है। साथ ही उनका कहना था कि सरकार उन्हें महज 2500 रुपए ही देना चाहती है। जो के पूरा प्रदेश में ये होने जा रहा प्रदर्शन मिड डे मील का, और ये लाखों संख्या में मिड डे मील वर्कर आज अपना प्रदर्शन हर ब्लॉक जिला पर जारी कर रहे हैं। जो के सेंटर गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की बढ़ोतरी की है और मिड डे मील वर्कर छोड़ दी है। हालांकि काम सबसे ज्यादा इनका है और इनकी अगर दाड़ी भी लगाए तो हर दिन की 100 रुपये है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि 100 रुपये में कोई गुजारा कर सकता है क्या? ये पूरे देश में मिड डे मील वर्कर 25 लाख के आसपास हैं। मोदी सरकार ने परियोजना वर्करों में आंगनबाड़ी को भी याद कर लिया और आशा वर्कर को भी याद कर लिया, इनको याद नहीं किया। इनकी अनदेखी की जा रही है और बहुत कम वेतन पर ये 6-6 घंटे काम करती हैं, 7-7 घंटे, और स्कूलों में बच्चों का खाना बनाती हैं रोजाना, इनका बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इनको जो 45वां भारतीय श्रम सम्मेलन में जो तय हुआ था कि भाई इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, मजदूर माना जाए, इनका PF कटे, ग्रेचुटी मिले, इनको पेंशन मिले और इनको मजदूर मानते हुए इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।